मेरा नाम गुलशन सिंह है जी। मैं गांव वडोया से आया हूँ जी, जिला अम्बाला में पड़ता है, 250 किलोमीटर। तो जैसे दो वैरायटी मिल गई, चार छूट गई, मगर यहाँ ऐसा हुआ, आने तो लेने तो आया था चार वैरायटी जी, मगर लेके जा रहा हूँ कम से कम 20-30 वैरायटी, और इतनी छोड़ के भी जा रहा हूँ, शायद प्लस इससे ज्यादा छोड़ के जा रहा हूँ। फिर कॉन्टेक्ट किया आप पे, और जैसा आपने बताया था चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, उससे बेहतर ही पाया है, तो बिल्कुल अपने परिवार के जैसा लग रहा है, जैसे मैं अपने घर में ही बैठा हूँ। हाँ, अगर वो एक बार यहाँ पे पहुँच जाएं जी, तो वो निराश नहीं होंगे यहाँ से जी। वो जो सोच के आएंगे उससे बेहतर पाएंगे। आपका समझाने का तरीका और बताने का वो भी बहुत बेहतर है। तो ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक कुमार, गाँव मनान, तहसील तोसाम, जिला भिवानी, जमाई नर्सरी। और हमारे पास बहुत दूर से काफ़ी लंबा सफर तय करके आए हुए हैं, उन प्रगतिशील किसान भी कह सकते हैं, काफ़ी एरिया में धान की खेती करते हो आप, धान और गन्ने की। इनसे रूबरू कराएंगे, जानेंगे हमारी नर्सरी कैसी लगी और यहाँ पे क्या क्या लेने आए हैं। तो आपका हमारी नर्सरी पे स्वागत है जी। ठीक है, नमस्कार जी। आपका नाम क्या हो और आप कहाँ से आए हो? जी, मेरा नाम गुलशन सिंह है जी। मैं गाँव वडोया से आया हूँ जी, जिला अम्बाला में पड़ता है। अम्बाला में पड़ता है, अम्बाला से लगभग 38 से 40 किलोमीटर की दूरी पे है जी। और कितना सफ़र तय करके आप माइनर्सी में पहुँचे? लगभग 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुँचे। सुबह आप चले थे और अभी पहुँचे, करीबन 2:30 बज चुके हैं। 7 बजे हम लगभग निकल पड़े थे जी, शायद इससे पहले। आज आपने यहाँ पे क्या क्या वैरायटियाँ ली हैं और किस तरीके की अलग अलग वैरायटियाँ जो आपको कहीं मिल नहीं रही थी, आप बता रहे थे? हाँ जी, मैं पहले भी यहाँ से आने से पहले कई जगह नर्सरियों पर गया हूँ जी। तो जैसे दो वैरायटी मिल गई, चार छूट गई, मगर यहाँ ऐसा हुआ, आने तो लेने तो आया था चार वैरायटी जी, मगर लेके जा रहा हूँ कम से कम 20-30 वैरायटी, और इतनी छोड़ के भी जा रहा हूँ, शायद प्लस इससे ज़्यादा, 20 से शायद ज़्यादा छोड़ के जा रहा हूँ। इतनी मेरे पास नहीं है लगाने के लिए, एरिया नहीं है, एरिया नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि दूर से चल के आप वहाँ पे नर्सरियों पे गए थे, मतलब एक नर्सरी पे वैरायटी पूरी नहीं हो रही? नहीं, किसी पे भी नहीं, जिन पे गया मैं वो नहीं हुई, काफ़ी छूटती थी। आपने पहले मेरे से फ़ोन पे बात करके? हाँ, मैं आपका यूट्यूब पे देख के जी फिर कॉन्टेक्ट किया आप पे, और जैसा आपने बताया था चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, उससे बेहतर ही पाया है, कम नहीं है। मतलब उससे बेहतर है, नर्सरी पूरी घूम के देखी? हाँ बिल्कुल, देखिए आपने ही दिखाई है जी, और जो जो मैंने पूछा आपने उसको बेहतर जानकारी मेरे को उपलब्ध कराई, जिसके लिए आपका धन्यवाद। तो अभी जो आप यहाँ पे चल के आए, तो आपको मन में ये लगा कि भी हाँ ये नर्सरी ठीक है, हम ठीक जाए आए? हाँ, मेरे को बिल्कुल अपने परिवार के जैसा लग रहा है, जैसे मैं अपने घर में ही बैठा हूँ, मेरे को नहीं लग रहा मैं इतनी दूर पे कहीं दूर बैठा हूँ, जान जगह पे, ऐसा नहीं मेरे को बिल्कुल लग रहा। और वैरायटियाँ अपने पास कितनी हैं जो मैं लेके जा रहा हूँ? जो अपने पास हैं और आप लेके भी जो जा रहे हैं, वैरायटी नहीं गिनती हो रही बहुत ज़्यादा है, सच्चाई में ऐसा ही है, मतलब है। हाँ, ये कोई झूठ नहीं है, सच्चाई है। और क्वांटिटी में अपने पास माल है ये? हाँ, बहुत है क्वांटिटी, हाँ, हर एक की पूरी फुल है, वो फुल है, मतलब बिल्कुल हमारे पास दो ही है, अपनी पसंद का हम ले सकते हैं, जैसा भी चाहें वैसा ही। तो जो और दूर से जो किसान भाई, उनको और क्या कहना चाहोगे, वो माइनर्सरी पे आए तो कैसा यहाँ पे आके उनको देखने को मिलेगा? हाँ, अगर वो एक बार यहाँ पे पहुँच जाएं जी, तो वो निराश नहीं होंगे यहाँ से जी, वो जो सोच के आएंगे उससे बेहतर पाएंगे, बेहतर कम नहीं पाएंगे वो, कम नहीं। हाँ, ये सच है जी, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, देख के बोल रहा हूँ, देख के क्वांटिटी के हिसाब से भी जी, अपनी च्वाइस भी आप वो पसंद कर सकते हैं, जैसा वो लेना चाहें घुमा लो। अच्छा, तो और जो है यहाँ पे वैरायटियाँ भी काफ़ी हैं, और एक आपने देखा प्रत्येक पौधे का डेमो वो हमारे यहाँ लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल, वो विश्वास भी हो जाता है भी हाँ ये चीज़ अच्छी है, अभी ऐसा। हाँ बिल्कुल, मौसमी देखे, पपीता देखा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आम भी देखे हैं, तो जो मतलब एक डेमो भी लगा हुआ है, और यहाँ पे पौधे की कंडीशन क्या है ये और बताएं किसानों को? कंडीशन भी है, बाकी आपका समझाने का तरीका और बताने का वो भी बहुत बेहतर है, बढ़िया है, और फिर च्वाइस भी अपने से ले सकते हैं पौधा, जैसा हमारे को अच्छा लगेगा, कोई इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, या उसका रेट आप अलग से ले रहे हो, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है जी, बहुत बेहतर है। तो जो हमारे देखने वाले किसान, वो अगर आप बागवानी करना चाहते हो घर के लिए, अभी आप अगर अपने बढ़िया क्वालिटी के पौधे चाहिए तो एक बार आके देखें, इस चीज़ की मेरी गारंटी, यहाँ से आप निराश होकर नहीं जाओगे। वैसे भी अगर मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, अगर बागवानी वो नहीं भी करना चाहते तो 2-4 पौधे लगा लेने चाहिए, अच्छे हैं।